देवगावड़ा जी, चंद्रबाबू नायडू जी, दिनेश गुंडूराव जी, सिद्धरमैया जी, वीरप्पा मोइली जी, के एच मुनियप्पा जी, बोस राजू जी, बीवी नायक जी, हमारे कैंडिडेट नाडागौड़ जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के, जनता दल के, तेलुगु देशम के सब नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में ही मैं देवगौड़ा जी से, चंद्रबाबू नायडू जी से और आप सब से माफ़ी मांगता हूँ कि मेरा थोड़ा प्रोग्राम लेट हो गया, गुजरात में थोड़ा डिले हुआ, इसलिए मैं यहाँ लेट आया। हमारा बीजेपी के खिलाफ चुनाव हो रहा है और दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक तरफ न्याय, सच्चाई, भाईचारा, प्यार और दूसरी तरफ अन्याय, झूठ, नफरत। 5 साल से नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वायदा कर जाते हैं। देखिए चौकीदार, जहां भी जाते हैं नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ झूठा वायदा कराते हैं। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में मैं डाल के दिखा दूंगा, प्रधानमंत्री बनाओ, हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल के नरेंद्र मोदी दिखाएगा। मिल गया आपको 15 लाख? मिल गया? 1 रुपया तक नहीं दिया। अनिल अंबानी को, मेहुल चौकसी को लाखों करोड़ रुपए दिए, मगर कर्नाटक के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को बैंक अकाउंट में 1 रुपया नहीं दिया। इसीलिए हमने नई योजना बनाने का सोचा है, योजना का नाम न्याय योजना। जो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल गरीबों के साथ अन्याय किया, उसके लिए हम न्याय योजना लाए हैं। मैं आपको न्याय योजना के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। 20% सबसे गरीब परिवारों को 2019 के चुनाव के खत्म होने के एकदम बाद कांग्रेस पार्टी साल के 72,000 रुपए सीधा बैंक अकाउंट में डाल के देगी। नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख बोला था, झूठ था, सच्चाई है 3,60,000 रुपए 5 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार डाल सकती है और हम डाल के दिखा देंगे। आप सोचिए, पैसे की कोई कमी नहीं। चुनाव हुआ, कर्नाटक में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव हुआ और हमने कहा, देखिए किसानों के सामने बहुत बड़ी मुश्किलें हैं, जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी हम किसान का कर्जा माफ करके दे देंगे। कर्नाटक में कहा, पंजाब में कहा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कहा, और मैं खुशी से कहता हूं कि कर्नाटक की सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में मैंने कहा 10 दिन के अंदर इन 3 स्टेट्स के सब किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। चुनाव हुआ, 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर हमने सब किसानों का कर्जा माफ कर दिया। हमने कर्जा माफ किया, उससे पहले नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पैसा कहां से आएगा। जब भी हम गरीबों के लिए काम करने की सोचते हैं, चौकीदार कहता है पैसा कहां से आएगा। मगर जब अनिल अंबानी 30,000 करोड़ रुपए राफेल मामले में चोरी कर लेता है तो फिर चौकीदार यह नहीं पूछता कि पैसा कहां से आया। मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ ले जाता है, चौकीदार यह नहीं पूछता पैसा कहां से आएगा। मगर अगर गरीबों को पैसा देना होता है तो चौकीदार एकदम पूछता है पैसा कहां से आएगा। हमने नरेंद्र मोदी को, चौकीदार को दिखा दिया कि कर्नाटक के किसान का कर्जा माफ करने का पैसा कहां से आएगा। हमने दिखा दिया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में
कि दो दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको बताता हूं पैसा कहां से आएगा। पैसा मिडिल क्लास से नहीं आएगा, पैसा अनिल अंबानी जैसे चोरों की जेब से आएगा। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, विजय माल्या जैसे चोरों की जेब से हम पैसा निकाल निकाल कर हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालेंगे, आप देखना। जैसे हमने 72,000 करोड़ रुपए यूपीए के समय किसान का कर्जा माफ किया था। जहां भी जाते हैं नरेंद्र मोदी, आजकल नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी ने पिछले चुनाव में 3 वायदे किए थे। 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दूंगा, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालूंगा, किसानों को न्याय दूंगा, उनका कर्जा माफ करूंगा और उनको सही दाम दिलवाऊंगा। ना किसानों के लिए कुछ किया, ना युवाओं को रोजगार दिलवाया, ना 15 लाख रुपए डाले। और आजकल जहां भी जाते हैं रोजगार की बात नहीं करते, किसानों की बात नहीं करते, नेशनल सिक्योरिटी बात करते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी का मैं भी ये सवाल पूछ लेता हूं एक, नरेंद्र मोदी जी अगर नेशनल सिक्योरिटी बात करना चाहते हो तो आप मुझे बताओ कि राफेल मामले में आपने 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी के बैंक में क्यों डाले। एयरफोर्स से आपने चोरी करके पैसा अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में क्यों डाला। कर्नाटक में एचएल है, यूपीए सरकार ने कहा था कि एचएल को दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, फैक्ट्री यहां लगती, राफेल हवाई जहाज कर्नाटक में बनता, लाखों युवाओं को यहां रोजगार मिलता। आपने एचएल से छीन कर राफेल का कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी अपने मित्र को क्यों दिया। आप यह समझाइए कि फ्रांस का राष्ट्रपति ये क्यों कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने मुझे कहा कि 526 करोड़ का हवाई जहाज हिंदुस्तान 1600 करोड़ रुपए में खरीदेगी। आप देश को यह समझाइए कि एचएल से आपने छीनकर उसको क्यों रोजगार दिया, अनिल अंबानी को क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया, थोड़ा समझाइए देश को। पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन आएंगे, अब नया नारा चला है चौकीदार, और पूरे देश में चला है। भाई और बहनों, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी चौराहे पर चले जाइए, कहीं भी किसी भी गांव में चले जाइए, शहर में चले जाइए, बेंगलोर जाइए, अहमदाबाद जाइए, नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, आपको सिर्फ अगर आप चौकीदार बोलोगे देश जवाब देगा चोर है। और चौकीदार देश को पिछले 5 सालों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। जहां भी जाता है उसने पिछले 5 साल में क्या किया वो नहीं बताना चाहता। चौकीदार ये नहीं बताना चाहता कि मैंने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नष्ट किया, नोटबंदी की, 500 रुपए 1,000 रुपए का नोट रद्दी किया, लाखों लोगों को बेरोजगार किया, छोटे दुकानदारों को खत्म किया, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को खत्म किया। चौकीदार ये नहीं बताना चाहता कि गब्बर सिंह टैक्स मैंने किया, भ्रष्टाचार मैंने बढ़ाया, ये नहीं कहना चाहता। जहां भी जाता है चौकीदार कहता है नेशनल सिक्योरिटी की बात है। नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे की बात करोगे तो आप मुझे बताओ क्या लाखों करोड़ युवाओं को बेरोजगार बनाना क्या ये हिंदुस्तान को मजबूत बनाता है या कमजोर बनाता है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, गब्बर सिंह टैक्स को हम जीएसटी में बदल देंगे, एक टैक्स होगा, 5 टैक्स नहीं होंगे, 28% टैक्स नहीं होगा, कम से कम टैक्स होगा, सरल टैक्स होगा, करा जा सकता है, हम करके दिखाएंगे आपको। भाइयों और बहनों, 24 घंटे में नरेंद्र मोदी ने हर 24 घंटे 27,000 युवा हिंदुस्तान में रोजगार खोते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा रोजगार दूंगा, और सच्चाई है कि 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज नरेंद्र मोदी ने किया, सारे के सारे बिजनेस बंद कर दिए, आपके जेब में से पैसा छीन कर निकाल कर उन उद्योगपतियों को दिया। आज अनिल अंबानी मजे कर रहा है, नीरव मोदी लंदन में, मेहुल चौकसी लंदन में, विजय माल्या लंदन में, उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए बैंक से लिया, वापस नहीं दिया,
उनको नरेंद्र मोदी ने जेल जेल में नहीं डाला, मगर अगर कर्नाटक का किसान, हिंदुस्तान का किसान बैंक लोन लेता है, 20,000 रुपए का बैंक लोन लेता है, वापस नहीं देता है, तो नरेंद्र मोदी उसे जेल में डाल देता है। हमने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है 2019 के चुनाव के बाद, 2019 के चुनाव के बाद जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी हम कानून बदल देंगे, हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्ज ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा। और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपको 2 करोड़ युवाओं वाली बात नहीं करूंगा, मगर मैं आपको बताऊंगा कि हिंदुस्तान की सरकार के पास 22 लाख नौकरियां हैं जो खाली पड़ी हैं। मैं आपको स्टेज से गारंटी करके कह रहा हूं, 1 साल के अंदर 22 लाख नौकरियों को हम भर के आपको दे देंगे। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है, मैं आपको स्टेज से गारंटी करके कह रहा हूं, 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी की सरकार ये रोजगार दिलवा सकती है। मैं यहां आपसे झूठ बोलने नहीं आया हूं, मैं झूठे वायदे नहीं करने आया हूं। यहां पे हमारी सरकार थी, छोटे से छोटे शहर में हमने आपको इंदिरा कैंटीन के माध्यम से मुफ्त में खाना, कम से कम पैसे में खाना दिलवाया, स्वादिष्ट खाना दिलवाया, यहां रोजगार पैदा किया, किसानों का कर्जा माफ किया। मगर नरेंद्र मोदी जी यहां आते झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जेडीएस की सरकार ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। पूरा कर्नाटक जानता है कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने 40,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है, 11,000 रुपए पहुंच गया है जनता के हाथ, मगर नरेंद्र मोदी यहां आके झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी को समझाना है कि पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या किया, कितना रोजगार पैदा किया, कितने किसानों की मदद की और जनता के बैंक अकाउंट में कितना पैसा डाला, उसका जवाब नरेंद्र मोदी नहीं दे सकते क्योंकि उसका जवाब है ही नहीं। बोल नहीं सकते वो, और जहां जाते हैं के बाद एक झूठ बोलते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। इस बार जनता ने निर्णय ले लिया है, 2019 में कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में, कांग्रेस पार्टी और जनता दल आंध्र प्रदेश में नायडू जी और पूरे देश में जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं उनकी जीत होने वाली है, नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली से हटाया जाएगा, जनता ने तय कर लिया है। मैं आपको बता रहा हूं गुजरात की जनता ने तय कर लिया है, आज मैं गुजरात से आया हूं, गुजरात में कांग्रेस पार्टी के लिए अंडर करंट है, गुजरात में लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने देश को छोड़ो, गुजरात की जनता कह रही है देश को छोड़ो, नरेंद्र मोदी जी ने तो हमारे लिए गुजरात में कुछ नहीं किया, हमारी जमीन अदानी जी को पकड़ाई, लाखों एकड़ जमीन मुफ्त में सबसे बड़े बिजनेस वालों को दी, गुजरात के लोग कह रहे हैं। तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ता को आश्वासन देना चाहता हूं कि यहां पे जनता दल और कांग्रेस पार्टी की जीत होने वाली है और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। एक बार फिर मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, मेरा प्रोग्राम थोड़ा लेट हुआ, इसके लिए आपको कष्ट हुआ, माफी मांगना चाहता हूं और आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इतने दूर से मेरी बात सुनने आए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।